प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में एक पेड़ माह के नाम अभियान के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वृक्षारोपण किया, जहां पौधारोपण अभियान पर कांग्रेस नेताओं ने तंज कसते हुए निशाना साधा। देखिए खास रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर जीतू पटवारी ने कहा कि सरकार पेड़ लगाए उसमें भी हम सहयोग करेंगे, पेड़ों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना जरूरी है। बीजेपी सरकार सिर्फ इवेंट करती है, पिछली बार 6 करोड़ पौधे लगाए थे, उनका क्या हुआ? पर्यावरण को लेके सरकारों का काम करना, पर्यावरण को लेके आम जनता का रुझान बनाना, सेगमेंट जितने भी है संसार में जो पर्यावरण में शुद्धता लाने का प्रयास करे, सबका स्वागत है। पर याद रखना चाहिए मध्य प्रदेश का इतिहास, 6.5 करोड़ नर्मदा किनारे पौधे, मीडिया के लोगों ने भी फिजिकल सर्वे किया था, कई लोग गए थे, एक पौधा नहीं मिला। पौधा लगाना, विज्ञापन देना, इवेंट करना, सरकार का पैसा लगाना, सरकार इतनी ही जिम्मेदारी अपनी नहीं समझे। उस पौधे को जिंदा रखना भी मैं समझता हूं उसके पीछे का मैकेनिज्म होता है। बीजेपी का की हिस्ट्री ये कहती है कि उनकी सरकार ने 6.5 करोड़ पौधे लगाए थे खरबों रुपए खर्च करके। जब पता लगा कि रुपए कहाँ है पौधे कहाँ है, दोनों करप्शन की जांच में है, आज विधानसभा के किसी न किसी फाइलों में है वो। जहां तक अब इंदौर का सवाल है, 51.5 लाख पौधे, 51 लाख पौधे, एक पौधे का जो सेगमेंट है, जो क्षेत्रफल है, अगर उस क्षेत्रफल को छोटे से छोटे पौधे को भी, तो 51 लाख पौधे लगाने में कितना बड़ा क्षेत्रफल चाहिए, और फिर उस ना जितना क्षेत्रफल चाहिए उससे इंदौर जितना उससे पूरा डबल चाहिए। अगर 51 लाख पौधे लगाने पड़े, लगाना स्वागत योग्य है, पहले उसके लिए नकारात्मकता नहीं, पर सवाल यह है कि इवेंट भी कितना बड़ा है। मैं जागरूक मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि प्रदेश को एक हिसाब ये भी देना चाहिए, पौधे लगाना चाहिए, बार बार लगाना चाहिए, हम भी सहयोगी हैं, पर उनकी सुरक्षा का अंतिम दायित्व भी होना चाहिए और सच भी होना चाहिए। सच सच इसलिए कि एक पौधे का क्षेत्रफल जितना होता है, अगर 51 लाख लगेंगे तो जितना इंदौर आज उससे डबल चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इंदौर दौरे को लेकर पूर्व विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि कुछ पौधे लगाए जाएंगे, फिर लाखों पेड़ काटे जाएंगे, जहां होगी सूखती तपती जमीन, फिर कागजों के महल बनाए जाएंगे। कुछ पौधे लगाए जाएंगे, फिर लाखों पेड़ काटे जाएंगे, जहां होगी सूखती तपती जमीन, कागजों में जंगल के महल बनाए जाएंगे, महफिलें सजेगी, वाहवाही होगी, जनता के करोड़ों उड़ाए जाएंगे। ये फलसफा एक पेड़ माँ के नाम का है, क्योंकि जिस तरीके से पहले भी हमने देखा कि 6 करोड़ पेड़ लगाने का एक ग्रीनीज बुक और वर्ल्ड रिकॉर्ड में बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा था, वो माँ नर्मदा के किनारे लगाए थे, तो पहले दिन तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना कि 6 करोड़ पौधे लगे, और दूसरे दिन वर्ल्ड रिकॉर्ड बना कि 6 करोड़ पौधे चोरी होने का काम हो गया। इवेंट पे इवेंट भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है, करोड़ों रुपए इवेंट के नाम पे खर्च करे जा रहे हैं, जनता की गाड़ी कमाई लूटी जा रही है, कर्ज लेके कहीं ना कहीं जनता के पैसे को लुटाने का काम सत्ता और सरकार कर रही है। और जो पुराने वादे करे थे कि अमित शाह जी गारंटी लेके गए थे कि 3100 रुपए क्विंटल धान के होंगे, उसका क्या हुआ? 2700 रुपए क्विंटल गेहूं का हो गए, उसका क्या हुआ? 450 रुपए में गैस की टंकी मिलेगी, उसका क्या हुआ? कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वृक्षारोपण किया, जहां पौधारोपण अभियान पर कांग्रेस नेताओं ने तंज कसते हुए निशाना साधा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।